हम कहाँ आए हुए? जीपी। यस, हम अभी आए हैं जीपी के पास कोको को दिखाने के लिए लाए हैं। हमारी कुकु आ गई स्कूल से। वो क्या है ये? अंडरपैंट्स हेयर बैंड। पता नहीं भाई क्या होता है ये। वाओ, हाँ ऐसे सर पे लगा के आ रहे थे बच्चे लोग सारे। क्या बना? ये आइस तो निकल गया, निकल गया। वाओ भाई देखो क्रिएटिविटी। वाओ क्या क्यूट बनाया है। लो टोपी पहन लो, ठंड लगे। अंडरपैंट्स मिला मुझे। अच्छा ये तो बहुत क्यूट। ऐसे अंडरपैंट्स मिला स्कूल में, वॉल में अंडरपैंट्स मिला। हाँ। भाई पता नहीं उसका मतलब क्या है। कुछ अंडरपैंट्स लाइक यू अंडरपैंट्स। अंडरपैंट्स यू फाइंड, आई फाइंड योर पजामा। ओह अंडरपैंट्स। मम्मा उन्हें कल अंडरपैंट्स का स्टोरी लगाया। अंडरपैंट्स का स्टोरी लगाया। अच्छा कुछ तो है भाई ये स्टोरी। That's so cute. तो ओह दैट्स कॉल्ड अंडरपैंट्स। भाई सुनो क्यूट क्यूट कुकू का ये। चलो जीपी के पास कोको को दिखाने के लिए लाए हैं। बेल बजी, वो गेट के बेल बज रही है। एक्चुअली कोको को हम जीपी के पास इसलिए लेके आए हैं, कोको को कुछ दिन से वेट करना पड़ेगा अपने टर्न का। कुकु बताएगी भाई हम जीपी के पास क्यों आए हैं आज। बताओ हम जीपी के पास क्यों? Because I can't hear. सुनो कुकु क्या कर रही है अभी कुछ एक हफ्ते से देखा मैंने कुकु को। कुकु का जब भी हम टीवी लगा रहे हैं, वैसे तो टीवी में पहले ज़्यादा चलाती नहीं थी पर आजकल टीवी लग रहा है तो कुकु क्या करती है, क्या करती है कुकु? हाँ तो ये कार्टून देखने की शायद इस आदत पड़ गई है इसको। तो ये क्या करती है आजकल? हाँ तो मैंने नोट किया लास्ट 4-5 दिन से या एक हफ्ते से कोको जब भी कार्टून लग रहा है टीवी में उसके वॉल्यूम 30 से ऊपर करती है, 30-40। अगर 15 नीचे। हाँ 15, अगर मैं इसका 15 रखती हूँ, 15 रखती हूँ तो ये सीधे ऊपर बढ़ा देगी छिपके। मैं जैसे उधर गई इधर रिमोट लेके फट से बढ़ा देती है, फिर मैं वापस आके 15 करूँगी फिर ये फट से बढ़ा देती है, फिर मैं ये बढ़ा देगी, फिर मैं आके देखूंगी कि वॉल्यूम ज़्यादा है फिर मैं कम करती हूँ, फिर कुकु बढ़ा देती है, जैसे देखते मैं इधर देख रही हूँ फिर से बढ़ा देगी। ये वाला खेल खेल रही है आज कल मेरे साथ। राइट हमारा नेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा? हमारा नेक्स्ट अभी हमारा टर्न आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। तो इसलिए मुझे लगा ये थोड़ा सा आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जीपी पर दिखाने लाई हूँ क्योंकि 15 वॉल्यूम करते तो कोको बोलती है आई कांट हेयर ऐसे बोलती है। तो मैंने कहा क्या पता कुछ
प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे भी एक्चुअली है ये सेम चीज़। मैं भी टीवी देखती हूँ तो मुझे भी 30-40 की आदत है इतना वॉल्यूम से सुनने के, बट कोको के साथ भी सेम हो रहा है। तो आई थिंक लेट मी, मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो इसलिए मैं इसको लेके आई जीपी के पास कि चेक कराऊंगी कहीं इसको भी आदत तो नहीं पड़ गई एकदम लाउड वॉल्यूम की। मेरे को तो आदत पड़ गई, जब तक तो कोई लाउडली नहीं बोलेगा तो सुनाई नहीं देता, मतलब सुनाई नहीं देता मतलब मेरे कानों को आदत हो गई अब लाउड आवाज़ की। तो इसका मुझे नॉर्मल नहीं लगा बच्चों के। आ रहे, हमारा टर्न आ रहा है, तो लेट्स सी अभी जीपी क्या बोलता है। तो वेट कर रहे हैं हम अभी अपना टर्न का, यहाँ बाहर बैठ के। आ रहे हमारा टर्न। ये जैकेट वैकेट खोल के बैठ गए, इसको मैं स्कूल से मैं इसको सीधे लेके आई, घर भी नहीं लेके गई आज क्योंकि अपॉइंटमेंट इसी टाइम का मिला था इसलिए। बैठो, आज हमारा टर्न आने वाला है, बैठो बैठो बैठो, हमारा टर्न आ जाएगा। चलो तो अभी हम उस दवाई लिखे हैं, ये कुकू का दवाई। अब कुकू इतनी क्यूरियस हो रही है कि अब कुकू मुझसे पूछे जा रही कौन सा दवाई दिया, कौन सा दवाई दिया। अभी बच्चा लिख के दवाई दी है उन्होंने, चेक करना। अभी हम जाएंगे मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में जाएंगे, टेस्को नहीं, हाँ टेस्को के पास जो फार्मेसी है वहाँ जाएंगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा दवाई दिया है। ठीक है, वो सैंपल तो नहीं दिया है ना? नहीं, वो येलो वाला तो नहीं दिया है ना? नहीं, येलो वाला नहीं दिया, कुछ और दिया होगा। लेट्स सी कौन सा दवाई, आई डोंट नो, चेक करेंगे भी दुकान वहाँ पे फार्मेसी में जाके चेक करेंगे कि क्या दिया कुकू। हरे कृष्ण, हम जीपी से आए और हमने स्कूल में खोजा प्राइवेट अंडरपैंट्स। हम जीपी से आ गए और अपने स्कूल की स्टोरी भी बता दी उसने कि उसने स्कूल में क्या करा आज। अंडरपैंट्स वाली कोई स्टोरी चल रही है इसके स्कूल में, वो स्टोरी के सुनाया होगा इनको और वो पैंट्स बना के ऐसे वॉल वो खोज छिपा रखे थे, जगह जगह छिपा के फिर वो खोज के सर्च करके वॉल पे लगाने वाला काम कर रहे थे ये। हम सब अंडरपैंट खोजा फिर वॉल पे लगाए, वो फोटोज भेजे थे ऐप में इनके, तो मैं देख रही थी। कितना फन करते हो आप लोग स्कूल में। हमने मजा आता है स्कूल जाने में। कितना फन एक्टिविटीज होती है ना इनके स्कूल में। हमने करा अंडरपैंट्स स्कूल में, अंडरपैंट्स, वेरी गुड वेरी नाइस, विजिट अंडरपैंट्स। अच्छा तो बताओ हम जीपी के पास क्यों गए थे आज, क्या हुआ था? बिकॉज शी कांट हियर। Why? हम जीपी पे गए थे जो इसके कान ये सुनाई नहीं दे रहा वाला आजकल कर रही थी बहुत दिनों से, पिछले लास्ट 1 वीक से, तो मुझे ना थोड़ा टेंशन सा हो गया था एक्चुअली। फिर मैं सब चीज़ सोचने लग गई, बिकॉज होता है ना फिर कुछ होता है तो सब चीज़ सोचने लग जाते हैं। इसको मैं हर जगह इंडियन सारे फंक्शन जितने भी होते हैं हमारे, दिवाली होली दांडिया इन सब में लाउड म्यूजिक चलता है यहाँ पे, तो उन सब में लेके गई हूँ। एंड मंदिर लेके जाती हूँ तो इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पर भी हरे कृष्णा के कीर्तन चलते हैं हर हफ्ते, जब से छोटी 1 या 2 महीने की थी, 1 महीने से, तब से मैं इसको एवरी वीक 1 दिन हमेशा लेके गई हूँ मंदिर या कहीं ना कहीं ऐसे उसमें। तो मुझे इसलिए डर लग रहा था कि ये ना छोटे से ही इसको लाउड म्यूजिक एक्सपोज हुआ है तो तो इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो अभी 1 वीक से ही कर रही थी और ये ऊपर से कुकू जब बोलती है ना बहुत लाउड बोलती है, जैसे मेरी आवाज़ है ना लाउड। मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ बहुत स्लो बोलने की और थोड़ा वॉल्यूम को अपना कम करने की, मुझे भी ना आदत है, मेरी मम्मी की भी आदत है बहुत तेज बोलने की और मेरे को भी हम वही आदत पड़ गई वैसे ही बात करने की। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ कि आराम से कैसे बोला जाता है। एंड कुकू को भी मेरी वाली आदत हो गई है बहुत तेज बोलने की, है कुकी तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं अभी तो इसलिए। हाँ आज जीपी ने क्या बोला वो तो बताया जीपी ने। वैसे जीपी ने कुछ नहीं कहा, जीपी ने बोला सब ठीक है, उसने चेक किया कान वान भी देखा इसका क्या है, उसने बोला हाँ जीपी ने बोला इसको ना कोल्ड है, जब से हम इंडिया से आए इसको कोल्ड हो ही रहा है, फिर 2-4 दिन ठीक होता है फिर वापस कोल्ड हो जाता है, तो उसके चक्कर में इसके ना कफ है ना, ये
ऐसे करते रहते नोजी में उंगली डालते रहते, इसी चक्कर में नोजी में उंगली डालने की आदत भी पड़ गई इसकी, इसी वजह से वो रहता ही हो ही रहा है ऐसे कोल्ड, तो उसकी वजह से उसने बोला वो सब चेक कर रही, तो उसकी वजह से इसको कान का वो सब प्रॉब्लम बोल रही है वो अभी, बट फिर भी उसने इसको एंटीबायोटिक दे रखी है और कुछ एक और दवाई दे रखी है, एंड इसके आइज में भी ऐसा रेड रेड हो रहा है आजकल, इस वाले आइज में या इस वाले आइज में दिखाओ, इस आइज में भी ऐसे रेड, अभी तो नहीं हो रहा, थोड़ा रेड हो रहा, तो वो बोल रही है अभी ये स्कूल जा रही है ना प्री स्कूल, वहाँ पे सारे टॉयज वॉयस सब बच्चे हाथ लगाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें बोल रही थी वो, हर बच्चे को हो रहा है कह रही थी, सारे बच्चे आ ही रहे हैं जो नया नया स्कूल या क्रैश या ऐसे सब चीज़ें स्टार्ट किया है, तो ये सब बोल रही थी, आँखों का एक एक आइस का, इसका आइस का कह रही हूँ सॉरी, एक आँखों का और एक इसका कान के लिए मैं लेके गई थी, तो अभी उसने बोला है इसको स्टीम देने के लिए बोला है, भाप लेती नहीं गर्म पानी का, कितनी बार मैंने कोशिश कर लिया, टब नहीं है हमारे पास, टब आपका छोटा बेबी वाला टब था ना, नहीं टब नहीं है, वो टब टन क्या हो गया, टन क्या हो गया, वो टब छोटा हो गया इसका टब था ना पहले नहाने वाला, वो छोटा हो गया, बोला अब नहीं है हमारे पास, बड़ा वाला लाना पड़ेगा, राइट, पर मम्मा वी डोंट यूज टब, नहीं आई एम नॉट अ स्मॉल गर्ल, देन बड़े हो गए अब, या हाँ भाई बड़े हो गई है, ये भाप लेने के स्टीम देने के लिए बोला है इसे जितना हो सके, हर दिन में कम से कम 2 या 3 बार इसको स्टीम देने के लिए बोला है, एंड दवाई दे रखी है एंटीबायोटिक भी लिए है, तो लेट्स तो फाइनली आज मेरे को थोड़ा सा ना जीपी से आई हूँ, अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे, टेंशन नहीं हो रही इतनी, वरना मुझे थोड़ा सा ज्यादा टेंशन हो गया था कुकू की वजह से, कुकू के लिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फनी फनी, ये फनी क्या होता है, अंडरपैंट्स, देन हैव अंडरपैंट्स स्टॉक, अंडरपैंट्स स्टॉक लाइक दिस, अंडरपैंट्स स्टॉक लाइक दैट, लाइक दिस, हाँ चचा underpants talk like that one. So that's underpants. That's how underpants speaks. Really? Yeah. And how cuckoo speak? Underpants. Underpants. ये तो cuckoo ऐसे बात बोलता है? जिसे लगा underpants ना? ऐसे लगा underpants. अच्छा underpants है कौन? कहाँ रहता है? Book में. Book में रहता है. हाँ. और TV TV में screen में. कुकु आके अपने स्कूल की स्टोरी बताती क्या करा, वेरी एक्साइटेड, और बात नहीं सुनो अगर स्कूल के स्कूल में क्या हुआ नहीं सुना तो जबरदस्ती सुनाएगी ये है ना मम्मा, स्कूल मैच करा अंडरपैंट्स, स्कूल मैच सारे अंडरपैंट्स को खोजो बॉल में, वाओ वेरी नाइस, सारे अंडरपैंट्स को, चलो अभी सभी को बोल दो बाय, हम ना अवर हेयर बैंड, हां हेयर बैंड भी बना रखे थे ना कुकु उन्होंने, दे वेयर हेयर बैंड एंड वी गो आउट टू फाइंड अंडरपैंट्स वो जो आई थी सुबह स्कूल से पहन के आ रहे थे ना उस वो पहन के सब लोग सर्च कर रहे थे इनको बना रखा था, क्या बना रखा था, हेयर बैंड्स, उन्होंने सब हेयर बैंड पहन के गो अप टू फाइंड अंडरपैंट्स, चलो सबको बाय और हरे कृष्ण तो बोल दो, Bye, let's go to my underpants school. Bye, Hare Krishna. See you in the next vlog channel.